चलिए सुपर टेस्टी और हेल्दी बर्फी बनाते हैं घर पे। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया 1 कप गेहूं का आटा, 1 कप बेसन और 2 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने सूजी लिया है। इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से भून लेंगे। उसके बाद डालेंगे 2 चम्मच घी और घी डाल के हमें इसे तब तक भूनना है जब तक इसका कच्चापन दूर नहीं हो जाता। तो आप देख सकते हैं इसे मैंने अच्छे से भून लिया है। टेस्ट को इन्हांस करने के लिए यहाँ पे लिया है इलायची पाउडर, तो इलायची पाउडर डाल के इसको भी अच्छे से चला लेंगे। और मीठे के लिए मैंने यहाँ पे 3 टेबलस्पून यहाँ पे शुगर पाउडर लिया है, मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून और घी डाला है और इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। आप देख सकते हैं एकदम लग रही है ना मार्केट जैसी। तो इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और अच्छे से सेट कर लेंगे स्क्वायर शेप में, ताकि इसको कट करने में हमें आसानी हो। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं होने चाहिए। ऊपर से ड्राई फ्रूट से गार्निशिंग करेंगे और इसे सेट होने के लिए रख देंगे, फिर उसके बाद कट्स लगाएंगे। तो लीजिए हमारी बर्फी रेडी है, आप भी खाओ पियो मजे करो। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।